आतंक का नाम सुनते ही सबसे पहले एक ही देश की छवि मन मस्तिष्क में उभरती है और वो है पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तक ये देश ना सिर्फ आतंकियों को शह देता था बल्कि उनका बचाव भी करता था। हालांकि अब सभी आतंकी संगठन एक साथ मिलकर पाकिस्तान में ही अपने आतंक का तांडव आरंभ कर चुके हैं। ये तांडव इतना विकराल है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री तक की छुट्टियां रद्द कर उन्हें दुबई से वापस बुलाना पड़ गया। आखिर पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकी कैसे अब पाकिस्तान की ही खबर खोद रहे हैं, जानेंगे TFI की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद पिछले दिनों दुबई पहुंचे थे, लेकिन इमरान खान ने उनकी छुट्टियां रद्द कर उन्हें वापस बुला लिया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री ऐसे समय में दुबई पहुंच गए जब कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लबाइक पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम दे रहा है तथा इस आतंकी देश में चारों ओर आतंक का ही जलजला है। पाकिस्तान में सिर्फ दुर्दांत आतंकी संगठनों द्वारा ही आतंक नहीं फैलाया जा रहा है बल्कि विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के कारण अराजकता और हिंसा अधिक बढ़ गई है। कई विपक्षी दल पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में इमरान खान की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश में कोई प्रदर्शन हो तो उसका हिंसक होना स्वाभाविक है। रिपोर्ट की माने तो तहरीक ए लबाइक पाकिस्तान ने इमरान खान की सरकार के विरुद्ध मार्च निकालने की घोषणा कर दी थी। ये मार्च इस्लामाबाद तक होने की आशंका है। यही कारण है कि इमरान खान खौफ में है और उन्होंने अपने गृह मंत्री को दुबई से वापस बुला लिया था। तहरीक ए लबाइक पाकिस्तान के समर्थक अपने मुखिया साद हुसैन रिजवी की रिहाई की मांग प्रमुखता से कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने TLP के मुखिया को 12 अप्रैल को ही हिंसा भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया था। आपको ये सुनकर हास्यास्पद लगेगा कि पाकिस्तानी सरकार ने TLP को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अब उसी संगठन के कारण सरकार खौफ में है। हालांकि पाकिस्तान सरकार किसी आतंकी संगठन को प्रतिबंधित करे या संरक्षण दे, बात एक ही है। ऐसा ही नहीं है कि TLP ही पाकिस्तान में आतंक का तांडव कर रही है। इसके अलावा तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने भी इमरान खान की सरकार के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान ने जितने भी आतंकी संगठनों को पाल पोस कर बड़ा किया है वो सभी अब पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध खुलकर सामने आ रहे हैं। जब से पाकिस्तान का उदय हुआ है तब से ही वहां आतंकवाद की फैक्ट्री फल फूल रही है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की आतंकी घटना घटे तो उसका तार पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ पाया जाता है। यूरोप हो, अमेरिका हो, मध्य एशिया हो या अफ्रीका, भारत हो या श्रीलंका, इन देशों एवं महाद्वीपों के कोने कोने से आतंकी वारदात की खबरें सामने आती हैं, जिसका कनेक्शन घूम फिरकर पाकिस्तान से ही निकलता है। अगर हम पाकिस्तान के आतंकी संगठनों द्वारा किए गए हमलों को गिनने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन लिस्ट समाप्त नहीं होगी। पाकिस्तान भारत से तो मुस्लिमों के लिए एक अलग देश के रूप में अलग हुआ था, परंतु आज ये देश ना सिर्फ अस्तित्व में है बल्कि एक आतंकी सोच के रूप में विकसित हुआ है जो उसे ही बर्बाद करने पे तुला हुआ है। पाकिस्तान आरंभ से ही भारत को कमजोर करने के लिए छद्म आतंकवादियों का इस्तेमाल करते आ रहा है। कश्मीर में भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान सरकार के पसंदीदा हथियार रहे हैं। कश्मीर को भारत के नियंत्रण से छीनने का लश्कर ए तैयबा का एजेंडा और पाकिस्तान के साथ उसका हाथ मिलाना वहां की सरकार के अपने सामरिक हितों के अनुरूप था और उसने इस गुट को कई बरसों से व्यापक वित्तीय, लॉजिस्टिक तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई है।
हालांकि इन संगठनों ने पाकिस्तानी सरकार को अपने इशारों पर नचाया है और मौका मिलते ही ये तख्ता पलट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी स्वीकार चुके हैं कि उनके देश में अभी भी 30,000 से 40,000 आतंकवादी मौजूद हैं, जिन्हें अफगानिस्तान और कश्मीर के हिस्सों में ट्रेनिंग दी गई है। एक के बाद एक कई आतंकी संगठनों और विपक्षी दलों का पाकिस्तान की इमरान सरकार के विरुद्ध उठ खड़ा होना ये दिखाता है कि अब पाकिस्तानी सरकार के दिन लद गए हैं। अफगानिस्तान की तरह ही अब पाकिस्तान पर भी आतंकियों के राज की सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने अपने लिए फ्रैंकेनस्टाइन राक्षस बनाया जब उसे ही निगलने जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा।